हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल बी ट्रैवल और मैं आप सभी का फ्रेंड राहुल शरावत स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्जियम में जो लोग मैरिज करने वाले हैं तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे तो वीडियो को आप दोस्तों अंत तक देखिए ताकि आपका कोई डाउट ना रहे और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ तो चलिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ें गाइड करता हूँ तो दोस्तों जो लोग मैरिज करने जा रहे हैं बेल्जियम में तो उनके लिए जो अप्लाई होता है बेल्जियम वीज़ा सी अप्लाई होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा बाद में क्या होता है इसमें जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसके बाद आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है और फिर आप वहाँ पर लॉन्गर टाइम रह सकते हैं तो जो लोग मैरिज करने जा रहे हैं वहाँ पर बेल्जियन से या फिर नॉन यू सिटीजन से तो ये डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट होने वाली है 2024 की तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे देखिए मैंने लिस्ट बना रखी है जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो दोस्तों ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है मैं जनरली ये वी एफ एस ग्लोबल की वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ और कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कर देता हूँ तो आपको आप लोगों को इजीली समझा सकूँ तो दोस्तों नंबर वन पर आपका जो पहला डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट है जिसकी वैलिडिटी बारह महीने से ज़्यादा होनी चाहिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले सेकेंड नंबर पर आ जाता है आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें रिसेंट आपकी कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और साइज जो फोटोग्राफ का होना चाहिए फाइव इंटू थ्री सेंटीमीटर और वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और मेक श्योर sure आप उसको ग्लू से चिपका रहे हैं ना कि स्टेपल कर रहे हैं नंबर थर्ड पर आ जाता है कॉपी ऑफ आइडेंटिटी पेज ऑफ योर पासपोर्ट तो आपका जो पासपोर्ट की जो इसमें डिटेल्स होती है फ्रंट और बैक में तो उसकी आप दो फोटो कॉपी आप करवा लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट लेना होता है बेल्जियम पार्टनर से वो है डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज डिलीवर्ड बाय दी सिटी हॉल इन बेल्जियम विद इन सिक्स मंथ्स प्रायर टू दी वीज़ा एप्लीकेशन प्लस वन कॉपी दोस्तों आपको पार्टनर से अपना डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज लेना होगा जो कि सिटी हॉल से उनको अरेंज करना होगा और मेक श्योर sure कि आप सिक्स uh, मंथ्स पहले अपना अरेंज करके रख ले और साथ में एक एक्स्ट्रा कॉपी आप मंगवा लीजिए नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पर in गारंटी लेटर its annexes plus one copy. तो ये एक ओरिजिनल गारंटी लेटर होता है थ्री बी आप इनकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं जो कि सिटी हॉल्स इन बेल्जियम से इशू होता है और साथ में उसके एनेक्सचर की एक कॉपी होती है ये सभी सिटी हॉल से उनको लेना होता है नेक्स्ट हो जाता है बेल्जियम आई डी कार्ड अब जो भी वहाँ पर बेल्जियन पार्टनर है तो उनके फ्रंट और बैक का आपको रेजिडेंस परमिट लेना है या फिर बेल्जियन आईडी कार्ड उनसे ले सकते हैं नंबर पर रहता है प्रूफ प्रूफ ऑफ 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 द पर्सन बीइंग हैज सफिशिएंट कॉपी अ हाउस अपार्टमेंट और अ कॉपी ऑफ द रेंटल कॉन्ट्रैक्ट तो जो भी आपका पार्टनर है जिसे आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उसके पास सफिशिएंट एकोमोडेशन होना चाहिए वहाँ पर और अगर वो रेंट पर रह रहे हैं तो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अगर उनका खुद का घर है तो ओनरशिप प्रूफ उनको देना होता है तो नेक्स्ट है एट नंबर पॉइंट

थ्री थाउजेंड यूरोज मेडिकल कॉस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स तो जो भी वहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं इस वीजा के लिए तो मेक श्योर sure कर लें कि आपके पास तीन हजार यूरोज का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए जिसमें तीन महीने का कवरेज होना चाहिए या फिर आपके पास कोई वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस है प्राइवेट तो उसमें बेल्जियन कवर होना चाहिए उसमें थर्टी थाउजेंड यूरोज कवर होना चाहिए नंबर टेंथ पॉइंट पर है द डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटेड That you have sufficient personal means of subsistence, copy of a updated bank statement, passbook, or proof of your profession, and copy of recent payslips, slips, etc. Unless a guarantee letter, 3BIS is provided. इनकेस अगर आपको थ्री बी आई लेटर नहीं मिलता है तो उसमें क्या है आपको अपने फंड्स आपको शो करने होते हैं कि आपके पास आप, आपकी बैंक स्टेटमेंट है आपकी पे स्लिप है जिससे ये मेक uh, श्योर sure कर सके बेल्जियम एम्बेसी कि आपके पास सफिशियंट फंड्स है आप वहाँ पर एकोमोडेट कर लेंगे नंबर अलवेंथ पर आ जाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम आर पैनल डॉक्टर प्लस वन कॉपी अटेस्टिंग दैट एप्लीकेंट इज़ नॉट कैरिंग एनी ऑफ द डिजीज दिथ माइट एंड पब्लिक हेल्थ पॉइंट नंबर 11 में वो बोलना चाहते हैं कि आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना होता है जो इनके पैनल डॉक्टर होते हैं तो आप इनकी वी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कौन कौन से पैनल डॉक्टर्स हैं और उनसे एक कॉपी आपको एक्स्ट्रा लेनी होती है और उसमें कुछ डिजीज़ के बारे में मैंशन होता है कि ये सब डिजीज़ आप नहीं है जो कि बेल्जियम पब्लिक को के लिए प्रॉब्लम ना हो नंबर ट्वेल्थ certificate attesting to the lack of any conviction of for crime or offense under common law plus one copy national police clearance certificate from passport office plus a post -trial from meac फॉर फ्रॉम बहुत पार्टनर्स नंबर ट्वेल्थ में वो लोग ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी आपके आपके पार्टनर के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो इसलिए वो पी सी सी मांगते हैं दोनों पार्टनर की और पी सी सी जो है पोस्टाइल होनी चाहिए एम ई ए से नंबर थर्टीन प्रूफ ऑफ क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ योर रिलेशनशिप फोटोग्राफ्स लेटर मेल्स टेलीफोन बिल्स मनी ट्रांसफ़र कॉपी ऑफ़ प्रीवियस वीजाज एंड इमिग्रेशन स्टैम्प्स साइन डिकलेन ऑफ फ्रेंड्स एंड relatives प्रूफ ऑफ holidays टुगेदर etc तो थर्टीन पॉइंट में वो लोग आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आपके क्या रिलेशनशिप रहे हैं तो उसमें फ़ोटोग्राफ लेटर आपका मेल है टेलीफोनिक बिल है मनी ट्रांसफ़र आपको किया गया है जो भी आपके प्रीवियस वीज़ा रहे हैं और इमिग्रेशन स्टैम्प उस कंट्री के लिए तो आप वो सब दे सकते हैं और इसके अलावा साइन डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव प्रूफ ऑफ हॉलीडेट टुगेदर एक्सट्रा अगर जो भी अपना टाइम स्पेंड करा है तो जनरली आपको वो सारी चीज़ें आपको फोटो या हॉलीडे आपका आपने कोई प्लान किया हो तो वो सभी मेल्स वग़ैरह आप लेके तो वो सभी मेल्स की कॉपीज़ वगैरह आप साथ में लगा सकते हैं नंबर फोर्टीन है प्रूफ ऑफ दैट बोथ पार्टनर आर मोर देन एटीन ईयर्स ओल्ड तो ये फोर्टीन पॉइंट में वो लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग दोनों ही अट्ठारह साल से आपकी एज ज़्यादा है तो उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा तो अब हम इनके रिमार्क्स पढ़ लेते हैं नंबर वन पर है द एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट हिज और हर एप्लीकेशन बाय हिम और हर सेल्फ ऑल द डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी शुड बी सबमिटेड एंड ओरिजिनल नंबर वन में बोला गया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए और गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशूड होना जरूरी है और एप्लीकेंट खुद ही अपना पर्सनल अपना सबमिशन कराए नंबर सेकंड है प्लीज मेक अनदर सेट ऑफ कॉपीज लेजिबल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशनड अबाउ फ्रंट एंड बैक डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी अरेंज इन द अबाउ ऑर्डर एंड सबमिटेड इनटू टू सेपरेटेड फाइल्स तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देने जा रहे हैं तो उसके दो सेट अप बना के दो फाइलें बना लें और वो साथ में कैरी कीजिए नंबर थर्ड है इफ़ जॉइनिंग बेल्जियन मिनिमम एज ऑफ बोथ पार्टनर मस्ट बी मोर देन 18 इयर्स ओल्ड इफ़ जॉइनिंग नॉन ई यू सिटीज़न मिनिमम एज ऑफ बोथ पार्टनर मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड अगर वहां जाकर आप किसी बेल्जियम के पर्सन को जॉइन कर रहे हैं तो मेक श्योर sure कि दोनों की एज 18 साल से ज़्यादा हो और अगर कोई वो नॉन ई यू सिटीज़न है तो मेक श्योर मिनिमम एज जो है बोथ पार्टनर की 21 साल होनी चाहिए नंबर फोर्थ है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इवन इफ नॉट फीचर्ड इन द लिस्ट अब मे बी रिक्वायर्ड बाय द एम्बेसी तो यहाँ पर बताया गया है कि इन केस अगर एम्बेसी को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो चाहिए होंगे तो वो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट में द वीजा फी इज नॉट रिफंडेबल इफ़ द वीज़ा इज डिनाइड नंबर फिफ्थ में यही बोला गया है कि वीज़ा फीस नॉन रिफंडेबल है अगर आप का वीज़ा डिनाई हो जाता है नंबर सिक्स है यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन एट दी अर्लीस थ्री मंथ्स बिफोर योर प्लान विज़िट तो आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है तीन महीने पहले अपने प्लान विज़िट से आप अप्लाई कर सकते हैं नंबर सेवन्थ है द टाइप ऑफ वीज़ा इज़ अ सी टाइप वीज़ा शॉर्ट स्टे वंस द मैरिज इज़ रजिस्टर्ड इन बेल्जियम द एप्लीकेंट विल रिसीव अ बेल्जियन रेजिडेंस कार्ड विद विच ही और शी कैन स्टे इन बेल्जियम तो ये स्टार्टिंग वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जब उनकी मैरिज रजिस्टर हो जाती है तो उनको बेल्जियम रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है जिससे वो लॉन्गस्ट स्टे कर सकते हैं Number 8, hai, the type of visa that we issue for marriage is type C Schengen visa. In general, for type C Schengen visa, a return flight ticket is required. However, as an exception of for marriage in Belgium one-way flight ticket is sufficient for the belgian authorities as all airline staff members are not always aware of page three of three this exception if you have bought want to buy a one-way tick flight ticket we advise you to take contact uh, with the airline before departure and check if they will let you board the aircraft तो नंबर एट पॉइंट में इन्होंने बताया गया है कि जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जनरली उसमें रिटर्न टिकट्स लगाते हैं लोग पर जो ये स्पेशल कैटेगरी है इसमें रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं होती है पर कई सारी एयरलाइन ऐसी हैं जिनको इस बारे में अवेयर नहीं है तो इसलिए अगर आप रिटर्न टिकट नहीं लगा रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार मेक श्योर कर लीजिए एयरलाइन से कि वो आपको फ़्लाइट में जाने देंगे या नहीं जाने देंगे नंबर नाइन्थ है द नॉन ई यू सिटीजन हैजू प्रूव दैट ही और शी इज ऑफिशियली लिविंग इन बेल्जियम सिंस मोर देन ईयर नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट है जो भी नॉन यू ईयू सिटीजन है उनको ये प्रूव करना होता है कि वो लोग ऑफिशियली बेल्जियम में एक साल से ज्यादा रह रहे हैं नंबर टेंथ है प्लीज़ नोट दैट दिटी हॉल इन बेल्जियम माइट रिक्वायर योर ओरिजिनल लीगलाइज बर्थ सर्टिफिकेट अपॉन योर रजिस्ट्रेशन बेल्जियम तो जो सिटी हॉल है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है नंबर इलेवेंथ पॉइंट है अ लेटर चेंज और टू दर्पज़ ऑफ़ द विज़िट इज़ नॉट एडमिशबल अ प्रोलोंगेशन ऑफ़ द वीज़ा इज़ नॉट पॉसिबल इन बोथ वीज़ाज आ न्यू एप्लीकेशन हैज़ टू बी जनरेटेड तो ऐसा नहीं है कि आपने वीज़ा अपलाई किया अभी शॉर्ट टर्म के लिए फिर आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें तो वो पॉसिबल नहीं है इसके लिए तो दोस्तों नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है इससे आप फॉर्म फ़िल कर सकते हैं और जो वीज़ा फ़ीस रहती है दोस्तों शॉर्ट टर्म वीज़ा वो 80 यूरोज़ है और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स चार्जेस होते हैं वी एफ एस ग्लोबल के वो ढाई हज़ार समथिंग होते हैं वो आपको वहाँ पर पे करना होता है दोस्तों इसके अलावा आपको हमारी कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी एजेंसी वी पी एस ट्रैवल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी सर्विसेज हैं एयर टिकट ट्रैवल इंश्योरेंस होटल बुकिंग या फिर अपॉइंटमेंट बुकिंग आपको चाहिए कवरिंग लेटर असिस्टेंस डॉक्यूमेंट चेक सर्विसेज या फिर आइटनरी से रिलेटेड आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन सिक्स फोर थ्री नाइन सिक्स जीरो फोर फाइव सिक्स और दोस्तों कुछ लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है ओवर दी कॉल तो हमारे चार्जेस फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ होते हैं अगर आपके कुछ सवाल हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ओवर दी कॉल आपका असिस्ट करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में